Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa la akhlihi wa sahabihi ajmain amma baad. Mere bhaiyon aur behne, hum sab jante hain, ek insaan ko maut kabhi bhi aa sakti hai. Allah ta'ala ne Quran mein farmaya, kullu nafsin zaiqatul maut. Aur maut sirf hamari hi nahi, balki hamare ghar mein kisi ki bhi kabhi bhi ho sakti hai. Hum aaj se ye program shuru kar rahe hain aur ye program hai Aakhri Safar, Janaza training program. Is program mein हम सिर्फ थियोरी के तौर पर आपको बताएंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पे करके इंशाल्लाह आपको ट्रेन करेंगे जनाजे के सारे मरहलों में सारे स्टेजेस में कि हमें हकीकत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. मेरे साथ हमारे स्टूडियो के ब्रदर दाऊद है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दाऊद भाई ने वॉलंटियर किया है कि मैं प्रैक्टिकल तौर पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ आपके सामने कि गुसल कैसे देना है, कफन कैसे पहनाना है. ये पूरा प्रोग्राम एक थ्योरी प्रोग्राम हो सकता था जिसमें सिर्फ मैं बैठ के बात करता और बताता कि ऐसे ऐसे गुसल देना है, लेकिन शायद वो बात उतनी समझ में नहीं आएगी जितना कि प्रैक्टिकल तौर पर जब हम सब देखेंगे कफन कैसे पहनाना है, हम देखेंगे कि तदफीन में कैसे क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, तो वो चीज़ के अंदर बातें और अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ में आ सकती है इस बारे में. दूसरी बात यह है मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये एक बहुत बड़े अजर का जरिया है. अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सल मय्यतन फसतरहु, जो मैयत को गुसल दे और उसकी पर्दापोशी करे, सतरहुल्लाहु मिन ज़ुनूब, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा. वमन कफ़नहु, और जो उसे कफन पहनाए, कसाहुल्लाहु मिन सुंदुस, अल्लाह उसे रेशम का लिबास पहनाएगा. मेरे भाइयों मेरी बहनें, कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा, उसके गुनाहों को छुपाएगा, अल्लाह उसे रेशम का लिबास पहनाएगा यानी कि जन्नत का लिबास पहनाएगा. सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है. ये हदीस हम देखते हैं इमाम तबरानी ने मौजमल कबीर में जमा किया है. सिलसिला हदीस सही हमें तहकीक है कि यह हदीस हसन सनद से है. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सल मय्यतन फकतम अलैह, जो मय्यत को गुसल दे और उसके ऐबों को छुपाए, उसकी पर्दापोशी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गफरल्लाहु लहू अरबईन मर्रा, अल्लाह उसे 40 बार माफ करेगा. 40 times, 40 बार अल्लाह ताला उस शख्स को माफ करेगा. कितनी बड़ी फजीलत है. यानी कि उलमा ने बताया है कि उसके 40 गुना अल्लाह ताला माफ करेगा. क्यों? क्योंकि उसने एक मय्यत को गुस्ल दिया, उसने एक मय्यत को कफन पहनाया. अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह उसके 40 गुनाहों को माफ करेगा. तो ये कितनी बड़ी फजीलतें हैं और ये इतना बड़ा अजर है जो हमें मिल सकता है. और बहुत से लोग समझते हैं कि मय्यत को गुस्ल देना ये बहुत मुश्किल काम है. हालांकि सही बात यह है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है. हम सब गुस्ल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हम सब गुस्ल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो हम गुसल लेते हैं वो गुसल और मैयत के गुसल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, चंद चीज़ें फ़र्क है जो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह. जो हम गुसल लेते हैं तो हमें खुद पता है हम इंशाल्लाह आसानी से दे सकते हैं. बल्कि मैं आपको एक बात कहूंगा कि सही तरीके से करना कोई मुश्किल नहीं है. हाँ, गलत तरीके से करना बहुत मुश्किल है जिसके अंदर बहुत सी गलत बातें होती है, जो गलत बातें आपको नहीं सिखाई जाएगी. और यहाँ पर हमें मिलती है एक और वजह. हमारे माशरे में जहाँ इल्म की कमी है, देखा जाता है कि मरने के बाद से लेकर तदफीन के बाद के स्टेज तक ऐसे कई सारे काम हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो ना कुरान में है ना हदीस में है ना किसी दलील से मिलती है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं है. और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद, जो इस दीन में कोई ऐसी चीज़ लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो चीज़ रद्द हो जाएगी, वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी. तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी ये इबादतें हमारे ये काम सब रिजेक्ट हो जाएं? और हम देखते हैं कि इसके अंदर एक और बड़ी वजह है. देखा जाता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो लोगों के दिलों में एक बहुत जज्बा पैदा हो जाता है, एक अमल का जज्बा. लेकिन याद रखिए, जहाँ कहीं अमल का जज्बा आया और साथ में अगर इल्म नहीं है, एक इंसान के पास रहनुमाई नहीं है, तो लोग ऐसे कई काम करेंगे जो कहीं कुरान और हदीस में साबित नहीं है, ऐसी कई चीज़ें करने लगेंगे. जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस्लाम ने यह सिखाया कि फितरत की चीज़ों में से है कि एक इंसान अपने जिस्म के बालों को शेव करें. आपको पता है कि ज़ेर नाफ़ के बाल, जो नाफ़ के नीचे वाले इलाके के जो प्राइवेट पार्ट्स के बाल है, उसे शेव करना सिखाया गया है. लेकिन अल्लाह मुस्तान, अल्लाह की पनाह, लोग इस चीज़ पर जब एक जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोग अपने मरने वालों के भी वो बाल शेव करते हैं. हालाँकि आपको पता है कि सही मुस्लिम की वाज़ह हदीस है, ला यंज़ुरु रजुलु इला औरति रजुल, कोई भी मर्द के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है कि वो किसी और मर्द के उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ, यानी कि नाप से लेके घुटने के इलाके के अंदर दरमियान का जो इलाका है उसकी तरफ देखे.
وَلَلْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ, نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی عورت کے پرائیویٹ پارٹس کی طرف دیکھے. اسلام نے تو پردہ پوشی سکھایا ہے, سکھایا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے. پھر کیا پردہ پوشی ہوئی؟ کیا آپ نے غور کیا جو حدیثیں اجر کے تعلق سے, ثواب کے تعلق سے میں نے ابھی دو منٹ پہلے پڑھی, وہ ساری حدیثوں کے اندر فسترہ, اس کی پردہ پوشی کرے, فقتم علی, اسے چھپائے, کیونکہ وہ جس کا انتقال ہوا وہ تو خود نہیں چھپا سکتے ہیں, اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے ہیں, اب ہمیں ہی چھپانا ہے. تو کیا ہم اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جذبے کے اندر لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو کئی سارے ایسے کام کریں گے جو قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے. کہاں قرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ان بالوں کو شیو کرو؟ ایک مثال ہے, مجھے پتا ہے سننے میں اچھا نہیں لگتا, لیکن فیکٹ یہ ہے نا میرے بھائیوں میری بہنیں کہ ایسی کئی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, اور ہم سب انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ چیزوں کو روک کر ایسے کام کر سکتے ہیں جو قرآن حدیث سے جن کا ثبوت ملتا ہے, جن کی دلیل ملتی ہے. وہ کرنے کے لیے ہمیں پہلے علم حاصل کرنا ہوگا. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ میرے ساتھ اس کورس میں اچھی طرح سے جڑے رہیں, یہ ساری کی ساری ویڈیوز کو بہت غور سے دیکھیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نہ صرف تھیوری, نہ صرف پریکٹیکل, لیکن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ یہ ساری آیات احادیث ٹیکسٹ میں بھی آپ کے سامنے لائیں گے, تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو. انشاءاللہ اس پورے کورس کے دوران صحیح طریقہ قرآن و حدیث کے دلیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ میں غلط چیزیں بھی بتائی جائے گی. اب آپ کہیں گے غلط چیزیں کیوں بتائی جائے گی؟ تو غلط چیزیں بتانے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح کیا ہے وہ بھی پتا چلے اور غلط کیا ہے وہ بھی پتا چلے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان کو غلط چیز نہیں پتا ہوتی ہے, پھر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ساتھ میں اور وہ بولتے ہیں ایسا کرو, یہ کر لو, وہ کر لو, تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے اس ٹریننگ پروگرام کے اندر ہمیں یہ تو سکھایا نہیں گیا. اور کئی بار لوگ صحیح بات سننے کے باوجود پھر بھی غلط چیز کر بیٹھتے ہیں, اس لیے کر بیٹھتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ غلط چیز غلط ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ پورے کورس کے دوران, یہ اس پورے پروگرام کے دوران تقریباً 100 غلط چیزیں دیکھنے والے ہیں, اور یہ 100 غلط چیزیں بتانے میں ہمارا صرف اتنا مقصد ہے تاکہ ہم وہ چیزوں کو چھوڑ کر وہ کام کیوں نہ کریں جو ثابت ہے. ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ لمیٹڈ ہے, اور جب ایک انسان نئی نئی چیزیں کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ سنت سے ثابت چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں. ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کو اچھا خاتمہ ملے. اس چیز میں آس پاس والے کئی بار ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جب خاتمہ اچھا ہوگا تو وہ عمل اچھا شمار کیا جائے گا, اگر خاتمہ برا ہوگا تو وہ عمل برا شمار کیا جائے گا. مطلب ہمارے سارے اعمال کا, ہماری پوری زندگی کے حساب کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمہ ہے. اور آپ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا ويحسن بالله الظن, تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے سوائے کے اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان لے کر جائے, اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان لے کر جائے, اس حال میں مرے وہ. میرے بھائیوں میری بہنیں, کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس والے اس مرنے والے کے ذہن میں کتنی غلط باتیں ڈال دیتے ہیں, اسے کتنی ساری غلط باتیں کہتے ہیں, بولتے ہیں کتنا برا ہوا نوجوان آدمی, آج اس کا انتقال ہو رہا ہے. اب یہ بات سن کر کے اس مرنے والے کے ذہن میں اگر آ گیا کہ ہاں میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. کیا اللہ کسی کے ساتھ برا کرتا ہے؟ اللہ کسی کا برا نہیں کرتا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر, البر کا مطلب ہے صرف اچھا کرنے والا, اللہ تو صرف اچھا کرنے والا ہے, اللہ کسی کا برا نہیں کرتا. تو یہ خیال اگر کسی کے دل میں آیا ہاں میرے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندی کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے اللہ کے بارے میں سوچا. ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ, کہ اگر وہ میرے بارے میں, بندہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچے تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا, اور اگر بندہ اللہ کے بارے میں برا سوچے تو اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا. تو میرے بھائی میری بہنیں, یہ آس پاس والے جو ہوتے ہیں نا, جن کے پاس کئی بار جب علم نہیں ہوتا تو ہمدردی میں ایسی کئی غلط باتیں کہہ جاتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مرنے والوں کا صحیح اکرام کیا جائے, ویسا اکرام کیا جائے جیسا کہ کرنا چاہیے, تاکہ انہیں ایک اچھا خاتمہ مل سکے اور مرنے کے بعد بھی انہیں کئی سزاؤں سے بچایا جا سکے, جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے کئی دلائل میں بات ملتی ہے. اس موضوع کو اسٹڈی کرنے میں کیا مقصد ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے تین بنیادی باتیں رکھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو بہت اجر اور ثواب مل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہے, انہیں روک کر ان کی جگہ پر صحیح چیزوں کو لا سکتے ہیں. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کا صحیح طور پر اکرام کرنا. ذرا سوچئے کہ کسی کے ابا کا ہو سکتا ہے انتقال ہوا ہے,
किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है, ऐसे शख्स का जिसके बहुत सारे हो सकता है एहसान होंगे, और उसके बाद में वो शख्स छोड़ देता है उन्हें, जो प्रोफेशनल गसाल धो धोकर या लोगों का गुस्ल दे देकर, उनके दिल में वैसी फीलिंग और जज्बात नहीं होंगे जैसे एक बेटे के दिल में होंगे अपने वालिद के लिए। उस प्रोफेशनल गसाल के दिल में वैसे जज्बात, वैसी फीलिंग्स नहीं हो सकती जो दिन रात लोगों को गुस्ल देता है, मैयत को गुस्ल देता है, जैसे जज्बात एक बेटे के दिल में अपने वालिद के लिए होंगे। कई बार दिखाया जाता है कि ये गसाल थोड़े इनसेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इकराम एक बच्चा, एक औलाद, एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार का करेगा, वैसा इकराम और वैसे जज्बात उस गसाल में नहीं हो सकते। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जिस दिन थ्योरी से आगे बढ़ के इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तौर पर आप एक मैयत को गुस्ल देने के लिए हाजिर होते हैं और आप हाथ लगाएंगे ना, वो जो जज्बात एक इंसान के दिल में आते हैं, वो जो फीलिंग्स, वो जो एहसासात, वो जो हकीकतें एक इंसान की आंखों के सामने आती है कि मेरे जैसा एक इंसान आज नहीं है जिंदा, थोड़ी देर पहले जिंदा था, आज नहीं है जिंदा, ये एहसास जब दिल में आता है ना, वो एहसास को कोई बता नहीं सकता। मैं यहाँ इसमें बयान नहीं कर सकता, वो एहसास आप फील कर सकते हैं। ये एहसास से हो सकता है वो तौबा करे, हो सकता है वो नेकियों में आगे पढ़े, हो सकता है वो गुनाहों से बचेगा। इस प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह 9 स्टेजेस देखने वाले हैं। पहला स्टेज, पहला मरहला है जब कोई एक इंसान बीमार होता है और बीमार की यादत करने हमें जाना चाहिए। दूसरा मरहला जो मौत से पहले का वक्त होता है। तीसरा मरहला मौत के फौरन बाद। चौथा मरहला गुस्ल। पांचवा कफन पहनाना। छठा जनाजे को ले जाना। सातवां जनाजे की नमाज पढ़ना। आठवां दफन करना। और नौवां दफन के बाद क्या। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मैं आपके सामने एक बहुत मुख्तसर आसान तरीके से इंशाल्लाह ये 9 के 9 मराहिल की तफसीलात रखूंगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि इस चीज़ में साथ में जुड़े रहें, इल्म हासिल करें अल्लाह की रज़ा के लिए। ये सारी चीज़ें इबादतें हैं और ये सीखने में भी हमें अजर मिलता है। हम अपना पहला मरहला शुरू कर रहे हैं और वो है मरीज की इयादत करना, मरीज को देखने जाना। अगर हम देखने जाएंगे, कभी ऐसा होगा कि उसकी तबीयत थोड़ी कमज़ोर होगी, ख़राब होगी, रिकवरिंग होगी, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मौत का वक्त हो। मरीज़ को आखिर में क्यों देखने जाएं? मैं आपके सामने 8 वजह रख रहा हूँ। हम देखते हैं कि आजकल की इस फास्ट लाइफ के अंदर या इस बिज़ी शेड्यूल वाली ज़िंदगी के अंदर लोग कई बार वक्त नहीं निकालते हैं मरीजों की इयादत करने के लिए, लेकिन उसमें क्या सवाब है मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो हम सब के लिए एक याद दिहानी और एक नसीहत की बात है। पहली वजह, ये एक हक है मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक्कुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक होते हैं और वो 6 में से 2 हक है, वइदा मरिदा फउधु वइदा माता फतबेहु। जब बीमार हो तो उसकी इयादत करो और जब वो मर जाए तो उसके जनाजे के पीछे चलो। ये हदीस सही मुस्लिम में है। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मिलती है, अमरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबइन व नहाना अन सबइन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीजों का हुक्म दिया और 7 चीजों से रोका। जो 7 चीजों का हुक्म दिया वो 7 में से एक है, अमरना बि इयादतिल मरीज, हमें हुक्म दिया मरीज की इयादत करने। तीसरी वजह यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल सुन्नत है। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं हमें, आदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वजईन काना बि आईनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत करने आए उस बीमारी की वजह से जो मेरी आंख में थी। सवाब क्या मिलता है? सुनन इब्न माजा की सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अखाहुल मुस्लिमी आइदन मशा फी खराफतिल जन्ना, जो अपने मुसलमान भाई की इयादत करने आए वो जन्नत के बागात में से चलते हुए आया है। वइदा जलसा गमरतुर रहमा, और जब वो बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत उसे ढांपी हुई होती है। हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। वइन काना गुदवतन सल्ला अलैहि सबउन अल्फ मलकिन हत्ता युमसिया, और अगर सुबह के वक्त आया है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। वइन काना मसान सल्ला अलैहि सबउन अल्फ मलकिन हत्ता युसबिहा, और अगर शाम का वक्त हो तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है। आप सोचिए 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं जो मरीज की इयादत करने आया है। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले जो मरीज की खिदमत कर रहे होते हैं वो खिदमत कर करके थक जाते हैं
और उनके लिए जैसे आजमाइश बन जाती है, और वो सोचते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें इहतिसाब करना चाहिए, मतलब सवाब की जैसे उम्मीद होनी चाहिए। सोचो जो इयादत करने आया उसे 70,000 फरिश्ते उसके लिए सुबह से शाम तक दुआ करते हैं, तो जो दिन रात खिदमत करता है उसके लिए क्या अजर होगा। सातवीं फजीलत सुनन इब्न माजा की एक हसन हदीस से मिलती है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदा मरीदन नादा मुनादिन, जो मरीज की इयादत करने आता है तो एक पुकारने वाला पुकारता है, मिनस समा आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, तिब्बता बहुत अच्छा किए, ताब मंशा का तुम्हारा ये आना बहुत अच्छा है, वो तबवा था मिनल जन्नति मंजिलन, तुम्हारे लिए जन्नत में घर तैयार किया गया है। अगर एक इंसान सिर्फ साफ इखलास वाली अल्लाह को राजी करने वाली नीयत से आ जाए तो हम देखते हैं कि जन्नत की फजीलत उस आने वाले के लिए हमें बताई गई है। और आठवीं फजीलत यह है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह बंदे से पूछेगा, मरीद तो फलम ताउदनी, मैं बीमार था तो मेरी इयादत के लिए नहीं आए, तो बंदा पूछेगा अल्लाह मैं तेरी इयादत के लिए कैसे आ सकता हूँ, तो अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू आता तो मुझे वहां पाता, मतलब अल्लाह ताला की रजा हम पाते, मेरा फला बंदा बीमार था अगर तू आता तो मुझे वहां उसके पास पाता, मतलब अल्लाह की रजा हम पाते। तो सवाल यह है कि हम अल्लाह ताला को कयामत के दिन क्या जवाब देंगे जब अल्लाह ताला हम सबसे ये सवाल पूछेगा, वहां जाने के बाद क्या करना है। मैं आपके सामने तीन बातें रखना चाहता हूं, जब किसी बीमार के पास हम जाएं तो तीन चीजें जरूर करें। सबसे पहली चीज, उन्हें तसल्ली देना और सब्र की तलखीन करना। सूरतुल असर में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, वक्त की कसम अल्लाह ने खाई है, कहा है कि इन्नल इंसाना लफी खुसर, यकीनन इंसान नुकसान में है, खसारे में है, इल्ला लदीना आमनु, सिवा उनकी जो ईमान ले आए, व अमिलु सालिहात, नेक काम किए, व तवासौ बिल हक, हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र, सब्र की तलकीन की। हमें सब्र की तलकीन करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार के पास जाते तो क्या कहते हैं आपको पता है, हदीस है सही बुखारी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं, गुनाह माफ ही होंगे इंशाअल्लाह, गुनाह माफ होंगे। उन्हें ये तसल्ली दे रहे हैं, गुनाह माफ हो रहे हैं, फिक्र की बात नहीं है, मोमिन के साथ कुछ बुरा नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी, यही बात हमें उन तक पहुंचाना चाहिए, इंशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तहूरुन इंशाल्लाह, गुनाह माफ ही होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, पॉइंट नंबर 2, इज़ा हज़रतुमुल मरीज, जब तुम किसी मरीज के पास हाजिर हो, अविल मैयत, या मैयत के पास हाजिर हो, फ़कूलु खैरन, सिर्फ अच्छी बातें कहो, फ़इन्नल मलाइकता युअमिनून अला मा तक़ुलून, जो तुम कहते हो उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, फरिश्ते जो हम कह रहे हैं उस पर आमीन कहते हैं, यानी कि अगर कोई कहे कितना बुरा हुआ तो फरिश्ते क्या कह रहे हैं, आमीन, यानी कि हमारा आना उनके लिए खैर लाने का जरिया हुआ या शर का जरिया हुआ, हम खुद सोचें। तो हमें बोलना चाहिए ऐसी बातें जो अच्छी हो, फरिश्ते क्या करते हैं, आमीन। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उन्हें सब्र की तलकीन करना। दूसरी बात क्या है, सिर्फ पॉजिटिव बातें कहना चाहिए, वहां पर नेगेटिव बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तकदीर का फैसला है। आसमान और जमीन के बनने के 50,000 साल पहले से लिखा हुआ था कि फला आदमी को बीमार पड़ना है, फला का इंतकाल होना है, कोई उस चीज को रोक नहीं सकता, जो होना था वो होना था। हम ये कर सकते हैं कि अब क्या करें, अब हमारा रिएक्शन क्या हो, अब इन्हें सब्र करना चाहिए, अब घर वालों के अंदर सब्र होना चाहिए, ये बहुत अहम बात है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात इस ताल्लुक से ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब तुम किसी मरीज के पास जाओ और अगर उसका वक्त नहीं आया है, और ये दुआ पढ़ो 7 बार, अस्अलुल्लाह अल अजीम रब्बा अर्शिल अजीम अन यशफीक, कि मैं अजीम अल अजीम अल्लाह से मांगता हूँ, रब्बा अर्शिल अजीम, जो बड़े अर्श अजीम का रब है, अन यशफीक, कि वो आपको शिफा दे दे। ये चीज़ अगर हम 7 बार दुआ करेंगे और अगर उस शख्स का वक्त नहीं आया होगा तो अल्लाह ताला उसे शिफा देगा, मतलब हमारा आना उसके लिए शिफा मिलने का जरिया हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनें, हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस एपिसोड में हमने 3 वजह देखे क्यों हमें इस मौजू के मुतालिक इल्म हासिल करना चाहिए। वो 3 वजहें हैं, पहली वजह ताकि हमें उसका सवाब और अज्र मिले, दूसरी वजह ताकि हम सही चीज़ें करें और गलत चीज़ों से बच सकें इंशाल्लाह, और तीसरी वजह मरने वाले का सही तौर पर इकराम किया जा सके। इस एपिसोड में हमने 8 वजहें देखी क्यों हमें मरीज की इयादत करनी चाहिए, और मरीज के पास इयादत के दौरान
क्या करना चाहिए वो हमने तीन बातें देखे, और वो तीन बातें हैं सब्र की तलकीन, सिर्फ अच्छी बातें कहना और उनके लिए दुआ करना। अल्लाह से दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा, हम सबको अल्लाह ताला अमल के मैदान में आगे बढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक दे, वही हमारा रिएक्शन हो, वही हमारा एक्शन हो जो कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया। अकुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म वस्तगफिरु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।